उत्तराखंड में जहां एक तरफ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो वहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस नेताओं के दावों की हवा मोदी मैजिक ने निकाल कर रख दी। कल तक जीत का सहरा पहनने को आतुर कांग्रेस के दिग्गज नेता अब हार की टोकरी सर पर ढोने को मजबूर है। गणेश कोंदियाल और हरीश रावत दोनों की ही हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं। कांग्रेस की करारी हार के पीछे अब सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की चेहरे की लड़ाई निकल कर आ रही है। अब बीजेपी नेताओं को भी कांग्रेस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। उनका कहना है कि कांग्रेस में इस कदर अंतर कलह था, इस कदर अंतर्द्वंद था कि आज कांग्रेस का ऐसा हाल हुआ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस के दावों की हवा निकाल दी। चीफ मिनिस्टर किसको बनना है, किसको नहीं बनना है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है और हमारा प्रदेश का संगठन, ये मिल बैठ करके बात करेंगे और पर्यवेक्षक भी आएंगे, उसके तहत सर्वसम्मति से सदन के नेता का चयन होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वो सभी को मानना भी होता है, यही परंपरा भी है। इसी के तहत मैं इतना कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जाहिर तौर पर बीजेपी तो अब हमलावर है ही जीत के बाद, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, अब चर्चाएं क्या चल रही हैं? ऐसी जानकारी भी आ रही है कि गणेश कुंदियाल इस्तीफा दे सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी तो उन्होंने और हरीश रावत ने ले ली है, लेकिन ये मानकर चला जाए जो हार हुई है वो कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस एक कारण, और उसके अलावा जो रार कांग्रेस में बार बार निकल के आती रही है वो भी एक बड़ी वजह। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि दो वजह इसकी मुख्य निकल कर आ रही है। पहली तो यह कि कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, और दूसरी बड़ी वजह कि कांग्रेस में जो चेहरे की लड़ाई चल रही थी, जो तस्वीर कांग्रेस में देखने को मिली जब प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, हरीश रावत लगातार चेहरे की लड़ाई लड़ते रहे, और बाद में कांग्रेस में ये स्थिति आई कि जब अध्यक्ष बदला गया तो प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, हरीश रावत को चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी टिकटों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस में कलह रहा, और ये तस्वीरें भी देखने को मिली कि कांग्रेस को फिर जो टिकट पहले दिए गए थे, हरीश रावत रामनगर सीट पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी पे थे, और उसी तरीके से जो रणजीत सिंह है उन्हें वहां से सल्ट की तरफ भेजा गया, तो दोनों के बीच में जिस तरह की टकराव वाली स्थिति थी, गुटबाजी वाली कांग्रेस में स्थिति थी, वो पहले कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई है। और आज तस्वीर पूरी सामने निकल कर आई है, बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट हुई है, मोदी ने भी पहाड़ पर चला है, लेकिन कांग्रेस की जो चेहरे की लड़ाई थी वो चेहरे की लड़ाई ने कांग्रेस को पूरा नुकसान पहुंचाया है। कार्यकर्ता जिसका मनोबल उठना चाहिए था वो मनोबल कार्यकर्ता का नहीं उठ पाया, और अब स्थिति है कि हार की जो जिम्मेदारी दोनों जो बड़े नेता है जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इसके अलावा हरीश रावत वहां से जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन अब प्रीतम गुट भी लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है, और यहाँ तक कि इसके अलावा भी कांग्रेस के जो और भी दिग्गज नेता है वो भी धीरे धीरे अब मुखर हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में जो अंतर कलह है आने वाले दिन में वो और ज्यादा सामने आएगी, जो स्थिति कांग्रेस में इस वक्त बनी हुई है वो और ज्यादा कांग्रेस के यानी अंतर्द्वंद अंतर कलह जो है वो बढ़ता हुआ कुलदीप नजर आएगा, और ये कांग्रेस के लिए कतई ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खुलकर पब्लिकली सामने आता है और उसका नतीजा जो है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी देख लिया है। बहुत शुक्रिया।